शिमोगा। शिमोगा कर्नाटक में स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। शिमोगा फेमस है अपने वाटरफॉल्स, डैम, रिवर, वाइल्ड लाइफ सफारी, ट्रैकिंग और टेंपल्स के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको शिमोगा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि शिमोगा कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा शिमोगा घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप शिमोगा का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शिमोगा टुंगा नदी के किनारे पर स्थित कर्नाटक का एक खूबसूरत सा शहर है। शिमोगा का नाम भगवान शिवजी जी के फेस के ऊपर रखा गया है। शिवमोगा मतलब शिवजी जी का फेस। इसे पश्चिम घाट का द्वार माना जाता है। शिमोगा कैसे पहुंचें? शिमोगा फ्लाइट, ट्रेन और बस से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आप आना चाहें तो शिमोगा का निकटतम एयरपोर्ट मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैंगलोर एयरपोर्ट से शिमोगा की दूरी 195 किलोमीटर और बेंगलोर एयरपोर्ट से शिमोगा की दूरी 300 किलोमीटर है, जिसे आप बस, टैक्सी या ट्रेन से तय कर सकते हैं। ट्रेन से आप आना चाहें तो शिमोगा में शिमोगा टाउन रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहां की ट्रेन लेकर आप आ सकते हैं। अगर आपके राज्य से शिमोगा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप मैंगलोर या फिर बेंगलोर की ट्रेन लेकर आ सकते हैं। बेंगलोर और मैंगलोर से शिमोगा के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। बस से आप आना चाहें तो KSRTC की बसें और प्राइवेट वोल्वो बसें बेंगलुरु, मैंगलोर, हुबली आदि क्षेत्रों से शिमोगा के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। बेंगलोर से शिमोगा पहुंचने में 6 घंटे, मैंगलोर से शिमोगा पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। आप अपनी कार से शिमोगा आना चाहें तो शिमोगा रोड से वेल कनेक्टेड है। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो शिमोगा घूमने के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च का रहता है, जब यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और आप ट्रैकिंग से लेके वाइल्ड लाइफ हर तरह का एडवेंचर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। स्टे की बात करें तो शिमोगा में आपको होटल्स, होम स्टे अवेलेबल हो जाएंगे। एवरेज होटल की बात करें तो 1000 से 2000 रुपये में आपको एवरेज होटल शिमोगा में मिल जाएगा। शिमोगा में कैसे घूमें? सो शिमोगा में आप लोकल बसेस, टैक्सी, ऑटो या बाइक रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि शिमोगा में कहाँ कहाँ घूमें। सो सबसे पहले आप जा सकते हैं जोग फॉल्स, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देती है। मॉनसून के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खास होता है। जोग वाटरफॉल्स की ऊंचाई 850 फीट है। जोग फॉल्स शिमोगा सिटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय आपको जोग फॉल्स पहुंचने में लगता है। शिवमोगा से जोग फॉल्स के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। आप शिवमोगा के मुख्य बस स्टैंड से KSRTC की बस ले सकते हैं, जो कि आपको 3 से 4 घंटे में जोग फॉल्स पहुंचा देगी, और आप टैक्सी से भी जोग फॉल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएं हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए कोडाचादरी हिल्स, जो कि ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए बहुत ही खास जगह है। कोडाचादरी पीक से समुंदर और आसपास की घाटियों का आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। कोडाचादरी आप टैक्सी या बस से नितर हिल तक आ सकते हैं, जो कि कोडाचादरी हिल्स का निकटतम गांव है और यहीं से कोडाचादरी हिल्स का ट्रैक शुरू होता है। 10 से 12 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है। यहाँ पर आप गाइडेड टूर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जंगल का एरिया है और जंगली जानवर भी यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रैक के रास्ते में आप ब्यूटीफुल नेचर एंजॉय करते करते 4 से 5 घंटे में इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। कोडाचादरी पीक के पास आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मूलारथी मंदिर है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ से शंकराचार्य जी ने देवी सरस्वती जी की आराधना की थी। नेक्स्ट आप जाए अगुम्बे। इसे दक्षिण का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। यहाँ से सनसेट का दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आप जाएं एलिफेंट कैंप। ये हाथियों का एक संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर आप हाथियों के साथ समय बिता सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, और आप यहाँ पर एलिफेंट राइड भी इंजॉय कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप जाएं गोकरानाथेश्वर मंदिर। शिवमोगा का ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट आप जाएं लिगनमकी डैम। शरावती नदी पर बना हुआ ये डैम एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट आप जाएं केलाड़ी। ये एक ऐतिहासिक गांव है जो कर्नाटक के इतिहास और कला संस्कृति को दर्शाता है। यहां आप पुराने मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएं होनेमराडू, जो कि शिवमोगा जिले में स्थित एक सुंदर और शांत पर्यटन स्थल है, जो कि मुख्य रूप से वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। डब्बे फॉल्स और जोग फॉल भी यहाँ से पास ही हैं। सो जब आप जोग फॉल्स के लिए आएँ तो इस जगह को भी जरूर एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट आप जाएं टाइगर एंड लॉयन सफारी। शिवमोगा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर आप जंगल सफारी कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइगर और लायन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ पर कुंदादरी फॉर ट्रैकिंग, भद्रा डैम, गजनोर डैम, शिवप्पा नायक म्यूजियम, नगारा फोर्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। फूड की बात करें तो शिवमोगा में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह का फूड अवेलेबल हो जाएगा। मोस्टली आपको यहाँ पर साउथ इंडियन फूड देखने को मिलेगा। एक मील की कॉस्ट की बात करें तो 150 से 200 रुपये आपकी एक मील की कॉस्ट आएगी। सो शिवमोगा घूमने के लिए आपको 3 दिन चाहिए होते हैं। थर्ड डे को आप अपनी रिटर्न जर्नी कर सकते हैं, जिससे आपका एक दिन का होटल का खर्चा भी बच जाएगा। सो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 1500 तक का होटल ले रहे हैं तो 2 दिन का होटल का खर्चा 1500 रुपये पर पर्सन, फूड का 1200 रुपये पर पर्सन, साइट सींग और ट्रांसपोर्टेशन का 2000 रुपये पर पर्सन। सो इस तरह से आप 5000 रुपये में आराम से शिवमोगा घूम सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना शिवमोगा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।